गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, वेलकम बैक। हम आ गए हैं घूम के इपो से, लॉस्ट वर्ल्ड से, बट इतना थक गए थे कि सत्या और कियान एकदम घोड़ा बेच के सो रहे थे, है ना। और अभी तक मैंने एक मिनट का भी रेस्ट नहीं लिया है, बट कोई ना, इट्स ओके, इट्स आई मीन जस्ट फॉर डे। कल से तो मुझे रेस्ट ही करना है, तो देख सकते हो गया थोड़ा थोड़ा दिखा दिया मैंने। तो मैंने क्या किया है ना, आज मंडे है तो हम लोग बाहर तो जा नहीं सकते, बिकॉज मंडे को ना मैं बिना प्याज लहसुन का खाती हूँ। सेकेंड, अच्छे से स्मेल कर रहा है। और एक बार बताओ अच्छे से। अच्छा स्मेल कर रहा है। यस, गुड। और सेकेंड, सत्या का क्लास है, अभी बज रहे हैं 8:25। उन्होंने मुझे क्या ETA दिया था? आपने मुझे क्या ETA दिया था? कब तक? 8:30 बोला था। अगर 8:30 तक हो जाए तो ठीक है, याद नहीं आ रहा है। चलो, तो उन्होंने मुझे ETA दिया था कि 8:30 तक जो भी कर सकते हो कर लो, क्योंकि उसके बाद मेरा क्लास स्टार्ट हो जाएगा 9:30, तो आई हैव टू सिट, यू नो, तो केक कटिंग जो भी। तो एज यूजुअल मैं बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा शूट करो, हिम्मत नहीं है। तो एज यूजुअल हमने इतना ट्रैवल करने के बाद भी हमने केक ऑर्डर किया था हमारी फेवरेट भावना से। भावना, थैंक यू सो 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 मच, क्योंकि केक जो है वो अमेजिंग है। और मैंने इस बार केक ऑर्डर दिया था और मैंने उनसे, मतलब मैंने उनको कुछ डिज़ाइन कुछ नहीं बोला था, बस उन्होंने ऊपर रखने वाला जो है वो चूज़ करने के लिए बोला था, बस मैंने वही चूज़ कर लिया था, बाकी कुछ भी मैंने नहीं बोला था, बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ ट्रस्ट ऑन हर कि वो जब भी करती है कुछ अमेजिंग सा करती है। और मुझे टाइम भी नहीं था गाइस कि मैं कॉल करके एक्सप्लेन करूँ। मैंने बस एक बार दो हफ्ते पहले दिया था, राइट? हाँ, 2 हफ्ते पहले मैंने बस ऑर्डर दे दिया था और बोला था कि भावना मुझे 6 को चाहिए और हम लोग बाहर जा रहे हैं तो आते वक्त मैं पिकअप करूँगी, दैट्स ऑल। मैंने उनसे ना कोई कांटेक्ट किया, ना ही उन्होंने मुझे कोई क्राइटेरिया कुछ नहीं पूछा। वो अपनी मर्जी से बहुत ही अमेजिंग केक बना के भेजी है, मैं दिखाऊंगी वो सब आपको। थैंक यू सो मच भावना, आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट यू आर पुटिंग। सब देख सकते हैं केक के डिज़ाइन से, मैं वो दिखाऊंगी। तो उसके साथ साथ मैंने बस थोड़ा सा ही कुछ रेडी किया है, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बहुत ही थोड़ा सा, बिकॉज आज बिना प्याज लहसुन का है, तो हम वक्त को एकदम वक्त नहीं है हमारे पास, तो एकदम जल्दी जल्दी से मैं आपको सब कुछ दिखाती हूँ। तो गाइस, कैन यू सी, दिस इज द केक शी हैज मेड, और ये है मैं और सत्या। आपको कैसा लगा केक? सही है, लेटा हुआ हूँ, बेसिकली मेरी फेवरेट पोजीशन। हिज फेवरेट पोजीशन, जो भी हो, ये ले, मतलब ये लेटा हुआ नहीं है, ये ऐसे हाथ पकड़ के, चलो जो भी हो, आप जो भी समझो। बट गाइज, दिस इज़ द केक शी हैज़ मेड, स्वीट, और ये फ्लेवर जो है ना, ये पान फ्लेवर का है, जो कि मिस्टर नंदा का फेवरेट है, ठीक है। तो मैं अभी से आपको रिव्यू दे देती हूँ कि केक बहुत ही अमेजिंग है। तो मैंने थोड़ा सा एक गेटअप किया है यहाँ पे, ये, और ये सेटअप आपको कैसा लगा बताना। कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा, यू नो, थोड़ा सा फील गुड होने के लिए। और यहाँ पे मैंने एक दाल पकवान बनाया है, चना दाल का। मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया बिकॉज मेरे पास एकदम टाइम नहीं था, बहुत ही सिंपल बनाया है गाइस, मैंने कोई ताम झाम कुछ नहीं किया, वो तो सत्या खाने के बाद बताएंगे। मैंने स्टार्टर में किया है पनीर, ग्रिल पनीर, जिसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया था, ठीक है। और थोड़ा सा मैंने सैलेड किया है, और इसके साथ क्या ओपन करोगे क्या, यहाँ पे ले आओ, दिखाओ थोड़ा सा ओपन करके। और यहाँ पे ना पता नहीं आप लोगों के साइड में इसको क्या बोलते हैं, साइज़ बहुत छोटू सा है, एकदम क्यूट से हैं। और ये ना आटे का बना हुआ है, इसमें अजवाइन और जीरा का मिक्स है, घी वगैरह मैंने थोड़ा डाल के बनाया है, जो कि गर्म करने के लिए मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो बस दैट्स ऑल। तो चलो गाइस, थोड़ा सा केक कटिंग करेंगे, फिर खाना वाना खाएंगे, और उसके बाद हम ये ब्लॉग को ना यहीं पे ख़त्म करेंगे, बिकॉज मेरे को अभी बहुत काम है, ठीक है। तो दैट्स ऑल, मिलते हैं आपको, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
थैंक यू. टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्यूटीफुल. हमारा ये छोटा सा सेलिब्रेशन आप भी इंजॉय करो और बोलना मेरे को कैसा लगा, बिकॉज मैंने बहुत ही लास्ट मिनट में जो भी मेरे पास था मैंने उसी से सब कुछ किया है. थैंक यू, बाय. Happy anniversary to Mama and Dada. Happy anniversary to Mama and Dada. Mama and Dada. Satya and Sonali. Okay. Yeah. ओके, हाउ इज इट? बेस्ट. आप बताओ. ऑब्वियसली भावना का केक तो भावना का केक ही होता है. थैंक यू सो मच भावना. कट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि इस बार मैंने इंस्ट्रक्शन अच्छे से फॉलो किया था, लास्ट टाइम इसने नहीं किया था. बस बहुत ही अच्छे से कट हुआ. आई रियली रियली लव द केक. देखो अभी से चालू है. थैंक यू सो मच भावना, थैंक यू. बताओ खाना कैसा? अच्छा ये तो देना मैं भूल ही गई थी गाइज, ये है ग्रीन चटनी, ये भी खाओ. आज घास फूस वाला दिन है. ऐसा नहीं है, आज मैंने सब कुछ बनाया बट बिना प्याज लहसुन का. ये आपको सॉल्ट थोड़ा चाहिए था ना. तो पहला फूस जो है वो है पनीर फूस फूस, पनीर ग्रिल, पनीर ग्रिल फूस फूस. ट्राई करते हैं. एज यूजुअल बोलना बेकार है, हमेशा तारीफ ही होती है सोनाली के खाने की. आज बताओ, बिकॉज आज मैंने किसी भी चीज में ना ऑनियन गार्लिक कुछ नहीं डाला. वो चीज फैक्टर मिसिंग है लेकिन स्टिल इट इज टेस्टी, इट इज वेरी टेस्टी. बट अगर मैं आपको नहीं बताती आपको पता चलता? नहीं पता नहीं ना. और ये है दूसरा घास फूस सलाद. तो ये हमारा कियान बहुत अच्छे से खा रहा है जो बेबी गाय है उसके लिए. आई थिंक कियान बहुत अच्छे से डाइट करेगा मम्मा की तरह. हमारा बेबी गाय लो भाई. एक ये भी ट्राई करके पहले बता दो, फिर आराम से खाना वाना खाएंगे बंद कर देंगे. आई थिंक उसको नूडल लग रहा है, लंबे लंबे है ना. यस आई थिंक इट्स नूडल. ये मैं आपको और एक प्लेट में दूं क्या? नहीं, इसमें थोड़ा सा जीरा है, अजवाइन है और इसको इसके साथ खाओ. दूं क्या थोड़ा सा इसे निकाल के? ये ना ये वाली दाल जो है ना थोड़ा सा ग्रेवी नहीं बनती है, ऐसे ही बनती है थोड़ा सा. ठीक है ठीक है. अच्छा है? ये थोड़ा सा मैंने कुछ डिफरेंट ट्राई किया क्योंकि ये हमारे घर में आज तक कभी नहीं बना था. ये थोड़ा सा डिफरेंट मैंने ट्राई किया, पराठा टाइप उसको मतलब रोल किया, फिर उसको लेयर दिया, यू नो लेयरिंग के बाद उसको किया और उसको जब मैं गूंद भी रही थी ना गर्म पानी और बहुत कुछ उसमें डाला था. बट ये बहुत तीखा है. If mom can eat 2-3 mirchi like it's broccoli. मैंने बहुत सारा मिर्ची डाला था बट बहुत अच्छा लग रहा है. तीखा. अच्छा है ना? तीखा लग रहा है. एक बार ना हम पनीर खा लेंगे. तीखा लग रहा है. बढ़िया है. चलिए गाइज यहाँ पे हम ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं. खाना बहुत ही टेस्टी है, अमेजिंग है, इसमें कुछ बताने का है नहीं इसलिए मैंने ब्लॉग्स में भी नहीं दिखाया. और सेकंड चीज़ मैं बहुत बिजी थी आज यार, बहुत सत्या बोलेंगे बहुत बिजी थी, मतलब मुझे थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिला. मैंने बहुत मुश्किल से ये सारी चीज़ें मैनेज की है क्योंकि हम बाहर आज खाने के लिए नहीं जा सकते हैं, है ना. नहीं तो प्लान वही था, हम एनिवर्सरी पे तो कहीं ना कहीं हम करते हैं बाहर लंच या डिनर. आज हमारा प्लान था कि इस बारी कियान को लेके जाएंगे लेकिन लास्ट टाइम वो बहुत छोटा था जब हम बारबेक्यू गए थे लास्ट टाइम. बहुत छोटा था तो हमने सोचा था इसको लेके हम अच्छे से खाएंगे, वो भी आजकल बाहर का खाना एंजॉय कर रहा है थोड़ा सा, है ना. बट वो नहीं पाया. बट ये सत्या के ऊपर है,
पेंडिंग है, एक बार लेके जाएंगे बोले हैं मेरे को। सुनाई नहीं दे रहा, सुना ऑन कैमरा भी है अभी, ठीक है? मुझे तो बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा, चलो तो बोले थे मुझे। एनीवे चलो गाइस, ये वाली वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हमको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्यूटीफुल। बाय बाय। Thank you.